Hello, good morning friends. Hello, good morning friends. This is Sunita and you are watching Everyday Yoga with me. So, we are discussing about information of yoga. I'm a simple and sober exercise kar rahe hain, jiska benefit hame bahut hi hone wala hai. Aur hum sabhi log kar sakte hain, jisme bachche ho, boodhe ho, ladies ho, gents ho, sabhi log. जिसका बेनिफिट सभी को होने वाला है, जिसे हम सुप्त व्यायाम कहते हैं. योग की लैंग्वेज में उसे सुप्त व्यायाम कहा जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में उसे बॉडी एक्सरसाइज कही जाती है, जिसमें बॉडी फ्री होती है. अगर सुप्त व्यायाम करने से हमारी बॉडी में लवचिकता क्रिएट होती है, लवचिकता क्रिएट होने की वजह से हम बड़े बड़े आसन आसानी से कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं सुप्तवासन, जिसमें पैरों से लेकर नेक तक की सभी आइस से लेकर सभी चीज़ें की नॉर्मल एक्सरसाइज की जाती है. सो सुप्त व्यायाम का फर्स्ट स्टेप, अपने पैरों को सीधे रखें, अपने हाथों की हथौड़ी पीछे रखें, पैरों को सीधे रखने के बाद में हमें अपने पैर सीधे तरीके से रखने हैं. अपने ओर खींचते हुए लंबी सांस लीजिए, पीछे की से साथ छोड़ दीजिए. इस तरीके से हम 10 से 12 बार अपने पैर मूवमेंट करें. इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन है पैरों की मोमेंट, जैसे हम लेफ्ट राइट पैर को घुमाएं, राउंड फिगर में पैरों को घुमाएं. इसके साथ साथ पैरों के राउंड फिगर में घुमाने के बाद में लेफ्ट से अगर हम सांस ले रहे हैं तो राइट होते हुए लेफ्ट तक पहुँच दिए, सांस छोड़ दीजिए. दोबारा हम राइट से स्टार्ट करें, लेफ्ट तक पहुँचाएँ, सांस छोड़ दीजिए. इस तरीके से हम अपनी घुमाएँ, पैरों को घुमाएँ, पैर को फिर कीजिए आगे पीछे राउंड पोजिशन में, एक अपसाइड डाउन साइड, एक अपसाइड डाउन साइड. इस तरीके का हम अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इसका बेनिफिट हमें बहुत ही मिल रहा है. इसके साथ साथ कहीं हमारे पैरों को लग रही है मोच आ रही है, अगर हमें प्ले करते करते कहीं पे भी किसी भी प्लेस में, तो हमारे बोन्स जो होते हैं अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. अगर ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो बॉडी फ्री रहती है, जिसकी वजह से हम आसानी से सभी चीज़ें कर सकते हैं. और ये आसन करने से हमें बहुत से बेनिफिट होता है और हमें बहुत ही बहुत बड़े बड़े आसन आगे करने के